नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों पुरी में। IRTTC की वार्षिक बैठक 8 से 10 जून को संपन्न हो चुकी है। हम विभिन्न मंचों से जो प्रस्ताव भेजे गए हैं विभिन्न जोनों के द्वारा, वह प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे पहला प्रस्ताव जो प्राप्त हुआ है वह उत्तर पश्चिम रेलवे के जो भेजे गए प्रस्ताव है उनके बारे में जानकारी सामने आई है, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। ज़्यादातर प्रस्ताव जो पूर्व में 2020 और 21 की मीटिंग हुई है उनमें भेजे गए थे, उनमें से ही आगे प्रस्ताव बढ़ाए गए हैं, कुछ फ्रेश भी प्रस्ताव इसमें शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नई ट्रेनें चलाए जाने संबंधी, जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे के स्टेशनों से प्रारंभ होने की मांग की गई है। तो भिवानी से कालका डेली एक्सप्रेस गाड़ी का रोहतक होकर संचालन करने की प्रस्ताव भेजा गया है। कोटा अजमेर में 3 दिन गाड़ी का प्रस्ताव वाया चंदेरिया होकर चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। बांद्रा टर्मिनस से बाड़मेर के लिए 2 गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जो भिलड़ी होकर चलाई जाएंगी। जयपुर अहमदाबाद वाया असारवा हिम्मतनगर होकर गेज कन्वर्जन के बाद चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। उदयपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस हिम्मतनगर होकर गेज कन्वर्जन पूरा होने के बाद चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। उदयपुर अहमदाबाद के बीच में एक और एक्सप्रेस गाड़ी यानी कि 2 गाड़ियां उदयपुर से अहमदाबाद के बीच में चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यह वर्ष 2020 के टाइम टेबल में भी शामिल थे, IRTTC की बैठक में शामिल थे और 21 में भी इन्हें शामिल किया गया था। भगत की कोठी से गोरखपुर के लिए साप्ताहिक गाड़ी जयपुर अलवर मथुरा होकर नई गाड़ी का प्रस्ताव भेजा गया है। श्रीगंगानगर से आगरा कैंट हफ्ते में 2 दिन गाड़ी का प्रस्ताव रेवाड़ी अलवर होकर चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। जयपुर उदयपुर सुपरफास्ट गाड़ी का प्रस्ताव भेजा गया है, जो कि वर्तमान में हॉलीडे स्पेशल 097-21-22 चलती है, उसको रेगुलर करने का प्रस्ताव भेजा गया है। लालकुआं अहमदाबाद साप्ताहिक गाड़ी मथुरा बांदीकुई भिलड़ी होकर चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। कोटा से असारवा नई गाड़ी चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जो कि चित्तौड़गढ़ उदयपुर हिम्मतनगर होकर गेज कन्वर्जन होने के बाद में चलाई जा सकती है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेन है। इसके बारे में पिछले दिनों जो स्थानीय सांसद श्री CP जोशी जी हैं उनके द्वारा भी मांग की गई थी, तो इसी को देखते हुए यह प्रस्ताव इसमें शामिल किया गया है। इंदौर जयपुर में 3 दिन गाड़ी का प्रस्ताव फिर से इसमें शामिल किया गया है, जो कि फतेहाबाद रतलाम चित्तौड़गढ़ अजमेर होकर चलाई जाना प्रस्तावित की गई है। यह जो लिंक एक्सप्रेस गाड़ी इंदौर जयपुर चलती थी उसको बंद करने के बाद इसका प्रस्ताव पूर्व में भी दिया जा चुका है। अब बात करते हैं गाड़ियों के विस्तार संबंधी प्रस्तावों की। तो गोरखपुर हिसार गाड़ी का भटिंडा तक विस्तार मांगा गया है। हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस का हिसार तक विस्तार जयपुर सीकर लोहारू के रास्ते मांगा गया है। अजमेर रामेश्वरम हमसफर गाड़ी का विस्तार का प्रस्ताव फिरोजपुर तक फिर से इसमें शामिल किया गया है, जो कि जयपुर सीकर चुरू सादुलपुर और हिसार के रास्ते मांगा गया है। जयपुर जोधपुर सुपरफास्ट को पाली मारवाड़ तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। अहमदाबाद चेन्नई हमसफर एक्सप्रेस को हिसार तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया। भिवानी कानपुर एक्सप्रेस को प्रयागराज तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। जयपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस को कर्नूल सिटी तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं जिन ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ाई जाना है उसमें हैदराबाद जयपुर गाड़ी का हफ्ते में 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन करने का प्रस्ताव फिर से भेजा गया है। तो दोस्तों, ये थे 2022 की IRTTC बैठक के उत्तर पश्चिम रेलवे के एजेंडे। इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में रेलवे बोर्ड इन सभी ट्रेनों को संचालन करने की हरी झंडी दे सकता है। और भी प्रस्तावों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।